गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास फोर्थ बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर सेकंड आपको रिवीजन कराने जा रही हूँ। ये चैप्टर में क्या है, प्लस और माइनस के सम है। तो इसमें क्या है कि आपको प्लस के ये जो सम है इनकी नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आई थिंक बुक में आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। प्लस के सम मैं आपको समझा रही हूँ, 2 + 6 = 8, 8 + 0 = 8, 8 भर देंगे। 4 + 1 = 5 + 2 = 7, 5 + 1 = 6, 3 + 3 = 6 + 2 = 8, 4 + 1 = 5 + 2 = 7, और 6 को 6 उतार देंगे। तो इस तरह से आपको प्लस वाले सम्स की प्रैक्टिस करनी है। अब देखो, ये तो है आपके सिंपल। अब आएंगे वो कैरी वाले, जैसे ये है, ये आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, 8 + 6 + 6 + 7, 8 + 6 + 6 + 7 होता है 27, 27 का यहाँ पे केवल 7 लिखेंगे, और जो 2 है इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। जैसे प्रॉपर इसमें समझा रखा है ना इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 29। अब 2 को यहाँ ले गए, अब 2 को इस रो में ऐड करेंगे, 4 + 2 = 6 + 1 = 7, 7 + 7 = 7, 14 + 4 = 18, 18 का केवल 8 लिखेंगे, 1 को यहाँ ले जाएंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको यहाँ ले जाएंगे। 1 + 3 = 4, 6 + 7, 4 + 2 = 6, 6 + 11 = 8, 19 का 9 ऊपर 1, 1 + 4 = 5 + 1, 6 + 9 = 15 का 5 यहाँ 1 ऊपर, 1 + 5 + 4 = 10। तो इस तरह से ये वाले सम्स हम एडिशन को सॉल्व करेंगे। ये आ गए हमारे कैरी। उसके बाद आएगा ये फिलअप्स। फिलअप्स को समझो आप, ये फिलअप्स हैं। अब इसमें 74,162 + 67,258 में ये दो एडिशन यहाँ दिए हैं इक्वल टू। इसमें ये वाला है तो ये डिजिट यहाँ लिखी है, प्लस करके पूछा है कि यहाँ हम क्या डिजिट फिल करें कि ये इक्वल हो जाए। तो ये जो मिसिंग डिजिट है ये इसको हम यहाँ ऐड कर देंगे, उससे क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अरे भाई देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 + 6 = 6 + 6 में क्या ऐड करें कि 3 + 6 क्या हुआ, 9 इक्वल टू 6 + क्या करेंगे, 3, यानी कि सेम ही डिजिट हम ऐड करेंगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो ये वाली डिजिट यहाँ पे जो दी थी ये यहाँ दे रखी है, ये वाली नहीं दे रखी, तो इसको हम फिल कर देंगे। जो इस तरह के आपके सम आएंगे उसमें पेपर में आएंगे, जो सम जिस तरीके के मैं समझा रही हूँ उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब आएगी वर्ड प्रॉब्लम की बारी। वर्ड प्रॉब्लम वैसे तो मैंने आपके सिलेबस में लिखी नहीं है, लेकिन जो सिंपल वाली वर्ड प्रॉब्लम है वो आएगी, और उसका मैं आपको एक असाइनमेंट बना के भेज दूंगी। उन्हीं सम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, या फिर उस टाइप के सम्स की आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है, ज़रूरी नहीं है वही सम आए, उस टाइप के सम्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि ये वाला सम है, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस इतनी बॉल पेन इन जनवरी इतनी इन मार्च, तो टोटल कितनी करी, तो इसमें लिखेंगे ए फैक्ट्री प्रोड्यूस इन जनवरी इतने, ए फैक्ट्री प्रोड्यूस इन पेन इन फेब्रवरी, दोनों को ऐड कर देंगे। इस तरह से जो बहुत ही सिंपल सम है स्टेटमेंट वाले वो आएंगे। उसके बाद है 2e, ये है सिंपल वो सब्सट्रैक्शन। 3 - 1 = 2, 6 - 3 = 3, 8 - 6 = 2, 4 - 1 = 3, 7 - 2 = 5, 1 - 1 = 1, ठीक है, ये है सिंपल। देन उसके बाद आएंगे बोरो वाले। तो बोरो वाले कैसे होंगे, 5 - 4 = 1, 6, अब 6 में से 8 नहीं जा सकता, तो 6 को क्या बना लेंगे, 16 - 8 = 8, अब जो इधर वाली डिजिट है उसमें से एक लेस करेंगे, क्योंकि इसने इसमें से बोरो लिया था, ये 6 ने 7 में से बोरो लिया था, तो ये 6 रह जाएगा, 6 - 6 = 0, 3 - 5 नहीं हो सकता, तो इसको 13 बनाना, 13 - 5 = 8, अब ये 9 है ना, ये 8 हो जाएगा, 8 - 7 = 1। तो इस तरह से बोरो वाले सम्स की भी आप प्रैक्टिस करोगे, और जो ये शुरू की वर्ड प्रॉब्लम है जो सिंपल सिंपल सी हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि ये है, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज, एक गांव की पॉपुलेशन इतनी है, द नंबर ऑफ मेल इतने हैं, मेल मतलब आदमी इतने हैं, 54,625, फाइंड द फीमेल, औरतें कितनी है। तो इसमें से पूरे विलेज की पॉपुलेशन में से मेल को लेस कर देंगे तो फीमेल निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ये पूरी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है।